दिल्ली स्थित सेना के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। फेफड़ों में संक्रमण की वजह से सेप्टिक शॉक की स्थिति पैदा हो गई थी और प्रणब मुखर्जी की इसी महीने ब्रेन सर्जरी भी हुई थी, जिसके बाद से वे कोमा में थे। आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल की ओर से लगातार उनके स्वास्थ्य में गिरावट संबंधी बयान जारी किए जा रहे थे। फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से सेप्टिक शॉक में होने के कारण डॉक्टर की एक स्पेशल टीम उनके इलाज में जुटी हुई थी, जहां उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। अस्पताल में भर्ती के दौरान कई जांच में उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि भी हुई थी। बाद में उनके फेफड़े में संक्रमण हो गया। अस्पताल की ओर से बताया गया था कि उनके गुर्दे भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। गौरतलब है कि प्रणब मुखर्जी साल 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे थे। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। वे एक कुशल राजनेता के तौर पर जाने जाते थे। पूर्व राष्ट्रपति, कांग्रेस के सीनियर नेताओं में से जाने जाते थे। प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री सहित देश के कई अहम पदों को भी सुशोभित किए थे। उनकी मौत के बाद देश में शोक की लहर दौड़ गई है। वे एक कुशल राजनेता के तौर पर याद किए जाते रहेंगे। एक सफल राजनेता के तौर पर प्रणब मुखर्जी हमेशा याद किए जाएंगे। वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए उन्होंने देश को कई अहम योगदान दिया। इंडियन रिवाइवल की ओर से दिवंगत राष्ट्रपति को भावभीनी श्रद्धांजलि।